Once again, welcome dear all. This is Chanakya Academy. Now today we are discuss about radius of gyration. पहले हम by concept समझते हैं, फिर by definition देखेंगे. लेकिन before radius of gyration, आप सभी को moment of inertia ये concept पता होना चाहिए. और जो कि हमने already previous video में काफी अच्छे से detail cover किया है. ओके, सो पहले हम समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन. गिव मी मिनट. सपोज एक मास है, एक रिजिड बॉडी है जिसका मास है m और जिसका मास है m. वेट जिसका मास m है और वो बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है. ओके, तो अगर इस केस में सपोज ये केस वन है, इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मान लीजिए इस होल मास को, इस पूरे बॉडी का मास कितना है, तो हमने कंसीडर किया है मान लीजिए एम मास है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सपोज ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसीडर करते हैं कि ये सभी मास अगर हम किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, मतलब अगर ये पूरा जो मास है इस केस में, ये इस रिजिड बॉडी का जो भी मास है वो अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते किसी एक पॉइंट पर और इस इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम उस मास को किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पर, मतलब जिसे हम कहेंगे के डिस्टेंस पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कि जिससे कि इस केस में, मतलब इस सेकेंड केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये पहले वाला केस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों कैसे होंगे, तो दोनों होंगे इक्वल. ओके, फिर से बाय डेफिनेशन हम इसे समझते हैं. इफ होल मास एम ऑफ द बॉडी इज एट रेडियल डिस्टेंस के फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहाँ से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर इस होल बॉडी का जो मास m है वो अगर हम कंसिडर करते हैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से k डिस्टेंस पर, देन इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन द सेम होगा, किसके साथ सेम होगा, अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसके साथ सेम होगा, तो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन के इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ गायरेशन. सो ये जो डिस्टेंस है के डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहा है रेडियस ऑफ गायरेशन. ओके, तो उसे हम यहाँ फॉर्मुलेट करते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वेयर, तो हम यहाँ पर आर को जो रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर हम ये डिस्टेंस लिखते हैं आर, लेकिन अब इस केस में पूरा जो मास है उस मास को ही हमने कंसिडर किया है यहाँ पर, तो ये इस मास का इस रोटेशनल एक्सिस से जो है कितना डिस्टेंस है, के डिस्टेंस है, तो हमने आर को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ. सो एम के स्क्वेयर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हमें मिलेगा के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम. अच्छा, इसका ऐसा यूनिट जो है, डेफिनेटली हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करते हैं इन मीटर, सो ऐसा यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मीटर. इसको थोड़ा हम न्यूमेरिकल भी देखिए यहाँ पर एक फाइंड कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
एम आर स्क्वायर, एम मीन्स मास। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए इस केस में जो आई है तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए आई अपॉन एम, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो हमने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जी मतलब मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, सो रेडियस है यहाँ पर मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर मास, मास का यूनिट क्या है, तो मास का यूनिट होता है केजी, ओके। सो केजी केजी गेट कैंसिल और यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर, सो अंडर रूट और एम स्क्वायर गेट कैंसिल, फाइनली वी विल गेट रेडियस ऑफ गायरेशन इन मीटर। इस तरह से भी हम इसको सॉल्व मतलब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो रेडियस ऑफ गायरेशन थोड़ा और हम एक डिटेल एग्जांपल समझते हैं, सपोज वेट, सपोज रेडियस ऑफ गायरेशन को हम थोड़ा और डिटेल समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ। सपोज मान लीजिए एक मास है, एक रिजिड बॉडी है कुछ इस तरह से, और एक दूसरी रिजिड बॉडी है, सपोज यही रिजिड बॉडी, लेकिन यहाँ पर हम दो केस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले केस में हमने कंसीडर किया, सपोज इस रिजिड बॉडी को अगर हम रोटेट करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका इस तरह से, ठीक है, इस केस में। सो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कंसीडर किया सपोज आई वन, ओके। और इस केस में अगर हम वही बॉडी, ठीक है, वही रिजिड बॉडी है, देखिए इसका मास एम है, यही रिजिड बॉडी, अगर मैं हॉरिजेंटल नहीं तो वर्टिकल, सपोज अगर मैं वर्टिकल कंसीडर करता हूँ तो क्या मास चेंज हुआ, नहीं। बट हमने क्या किया, इसको इस तरह से वर्टिकली हम अगर रोटेट करते हैं सपोज इस तरह से, ओके, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज जैसे भी, तो यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंसीडर करेंगे सपोज आई टू, ओके। और एज पर डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर हम कहेंगे इस केस में जैसे आई वन के लिए, तो अगर ये मास है, इस मास को हमने यहाँ पर मान लीजिए कंसीडर किया है m, तो देखिए यहाँ पर मास तो सेम है, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए यहाँ पर i1 इज ग्रेटर देन i2, ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस है इसकी रेडियस ज़्यादा है, और यहाँ पर इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो रेडियस है वो डिस्टेंस कम है, मतलब यहाँ पर r2 और यहाँ पर अगर हम कंसीडर करेंगे r1, सो देखिए यहाँ पर r1 इज़ ग्रेटर देन r2, सो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है i1 का ज़्यादा होगा। ये हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया है, सो अभी हम फिलहाल कॉन्सेंट्रेट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन पे, सॉरी, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर केस वन में अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन अगर फाइंड करते तो कैसे होगा, यहाँ पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन में इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो हमने कहा यहाँ पर के वन, ओके। और इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बिकॉज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड जो मासेस है वो ज़्यादा रेडियस पर है, तो हम देखिए यहाँ पर रेडियस ऑफ गायर मतलब ये जो वैल्यू है आई वन की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी आई टू से, सो आई वन की वैल्यू ज़्यादा है, हमने यहाँ पर उसे इस तरह से एक्सप्रेस किया है। और इस केस में क्या होगा, के टू मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन टू, किसके लिए, इस सेकेंड केस के लिए, तो ये मास
डज नॉट चेंज, मास तो वही है जो रिजिड बॉडी हमने इस केस के लिए कंसिडर की, वही रिजिड बॉडी हमने इस केस के लिए कंसिडर की है। सो मास तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, क्यों? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर से एम के वन, एम के वन इज ग्रेटर देन एम के टू, बिकॉज यहाँ पर क्या है, सो यहाँ पर क्या है, के वन जो है वो ज़्यादा है, आर डिस्टेंस ज़्यादा है, सॉरी स्क्वायर, ओके के स्क्वायर। सो ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ये समझिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्यों यूज़ करते हैं हम, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम यूज़ करते हैं टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। आई रिपीट अगेन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो रेडियस ऑफ गायरेशन हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस के लिए, टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस। ओके, सो आई होप ये सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। अगर कुछ डाउट है सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, फाइनली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सभी कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए तो ही आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसे अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बाकी सभी जो कंसेप्ट है उनके लिए आप हमारे प्रीवियस जो वीडियोस है उन्हें भी उन्हें देखिए और जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर कीजिए। अगर कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। और हाँ, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। नॉलेज अगर यूज़फुल लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।